Hello and welcome back to the third episode of the Covers Talk Show Season 2, presented by the White Falcon Films, supported by Mahi Photography, wardrobe by Sehchari by Paras Kapoor, and makeup by Sharan Kapoor. दुनिया में हमने बहुत सारी personalities देखी हैं, जिनमें से एक ऐसी personality देखी है जो कभी चाय बेचता था और आज देश चला रहा है. और आज हमारे साथ एक ऐसे guest मौजूद हैं जो केवल 10वीं पास है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं. और अगर मैं इन दोनों पर्सनालिटीज़ की बात करूं तो ये साबित करते हैं कि अगर इंसान को सक्सेस पाना है तो केवल पीएचडी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो अपने काम के प्रति लगन की और एक पॉजिटिव सोच की. और इसी सोच के साथ मैं आपसे रूबरू करवाऊँगा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी को, जो कि सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं और सिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं. सर, वेलकम टू आवर शो. सर, अगर मैं कुछ नाम लूँ जैसे कि स्टीव जॉब्स, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, आमिर खान और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कोई स्कूल ड्रॉप आउट है या कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, और आप हमारे सामने आज एक लाइव एग्जांपल हैं जो आप सिर्फ 10वीं पास है और एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं. सर, क्या रीज़न है कि जो कम पढ़ा लिखा है वो बहुत सक्सेसफुल है और जो बहुत पढ़ा लिखा है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? क्या कारण है उसके पीछे? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये 100% परफेक्शन नहीं है, लेकिन मोस्टली मैं इसके लिए एंटरप्रेन्योर और जो जॉब करते हैं उसको थोड़ा डिफ्रिशिएट करूँगा अलग से. जी, क्योंकि आप ये समझते हैं कि कोई भी काम अगर आप करते हैं वो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार कामयाब होना ज़रूरी नहीं होता. जी. लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है, अगर मैं ये एंटरप्रेन्योर या किसी काम में कामयाब नहीं हुआ जी, तो मैं जॉब कर लूँगा. हाँ जी. इस वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाता, चाहते हुए भी नहीं दे पाता. इस वजह से वो लोग जो कि पढ़े लिखे होते हैं उनका अपना 60% 70% वो एंटरप्रेन्योरशिप पर लगाते हैं. राइट. लेकिन जो कम पढ़ा लिखा होता है उसको ये होता है कि मुझे किसी ने भी जॉब नहीं देनी, अगर देनी है तो 5-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देनी. हाँ जी. इसलिए वो एक बार फेल हो, दो बार हो, 10 बार हो. इसके लिए मैं एक मिसाल देता हूँ इब्राहिम लिंकन की. जी. इब्राहिम लिंकन 13 बार सभी इलेक्शन हारा जी, लेकिन उसका जो गोल था वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था जी. और उसने एक चींटी को 15-20 बार दीवार पर चढ़ते और गिरते देखा था. तो उस सारे जो भी एपिसोड या सारे सिस्टम में उसकी लाइफ में वो ये जो डिप्रेशन में भी गया जी और हॉस्पिटलाइज भी रहा जी. और इसमें उसकी वाइफ की भी डेथ होगी, पर अल्टीमेटली 13 इलेक्शन हारने के बाद डायरेक्ट वो यूएसए का प्रेसिडेंट बना. जी. मेन मेरा अखीर में यही कहना है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती तो आप अपना 100% देते हैं और वो भी उस बिजनेस में आप कामयाब होते हैं. जब आपके पास ऑप्शन होती है तब आप वो जॉब या उस पर आपका ध्यान रहता है, इस वजह से वो आप 100% नहीं दे पाते. इसलिए जो पढ़े लिखे लोग हैं एंटरप्रेन्योर कम कामयाब होते हैं. आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं तभी आप यहाँ तक आज पहुँचे हैं. सर, लोगों का कहना है कि चन्नी ने सिटी यूनिवर्सिटी और सिटी वर्ल्ड स्कूल खोल कर गलती करी है, आपका क्या इस पर कहना है? देखिए, ये नहीं मुझे भी कितने परसेंट लोगों ने इसको गलत कहा है और कितने लोगों ने सही कहा है, ये जो नंबर मेरे पास आएगा तो इस पर मैं कुछ ना जैसे अपने दिमाग में ना गार्बेज नहीं भरता जी. लोग कहते रहते हैं, मुझे उन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना जी. जब ये नंबर आएगा मेरे पास
कि मैंने गलती की है कि मैंने ठीक की है, उसके बाद भी मैं विचार करूंगा इसका कोई आंसर मैंने देना है या नहीं देना। सर, अगर मैं आज के एजुकेशन की बात करूं, तो जो हमारी आज की यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बाहर जाने में, स्पेशली अगर मैं कनाडा की बात करूं, वहाँ जाने में बहुत पागल हुए हैं। तो इसका ऑब्वियसली एडमिशन्स पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, हर कॉलेज में, हर संस्था पे। सर, क्या आपका क्या कहना है कि उनका बाहर जाना इतनी तेज़ी से, ये एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है? देखिए कि इंडियन एजुकेशन जहाँ पर थी आगे, उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है जी। एक तो इसको माइनस लेना मैं नहीं ठीक समझता। राइट। आज की डेट में भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ आज भी सीट नहीं मिलती जी। ठीक है, जो लोग बाहर जा रहे हैं ये उनकी विल है जी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि मेहनत में थोड़ा सा यहाँ ऑब्जेक्शनेबल गिना जाता है। जैसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, तो आपको पार्टीज़ में जाकर लोगों को विस्की भी देनी पड़ती है, ग्लास भी पकड़ाना पड़ता है, प्लेट भी देनी पड़ती है, रुमाल भी देना पड़ता है, और वो बिछाने भी पड़ते हैं कई कुछ। हाँ जी, जो आपके कारपेट भी जी। अब वो लोग यहाँ इसको हद तक की तरह देखते हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड नीचे हुआ है जी, वहाँ ये सब चीज़ें जाकर करते हैं। दूसरा, जो इंडिया की इकॉनमी है और बाहर की, वहाँ डॉलर मिलते हैं, यहाँ जो आपको रुपए या पैसे मिलते हैं जी, उस वजह से उनको ये लगता है कि हमारी जो आने वाली लाइफ है वहाँ बेटर होगी। राइट सर। चन्नी जी, आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई गलती करी है? बहुत गलती की है, और गलतियाँ करनी चाहिए, और अगर आप गलती नहीं करेंगे, या आप जीतते हैं या आप सीखते हैं जी। और जो सक्सेस है उसकी लाइफ सिर्फ 15 दिन होती है जी। या आप केक काट लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, या अपनी वाइफ को कहीं बाहर आप हॉलीडे पर ले जाएंगे, तो सक्सेस लाइफ 15 दिन में ख़त्म हो जाती है जी। लेकिन जो आप फेलियर है, वो आपको हमेशा ही वार्न करता है कि आप ये अगर गलत काम किया तो आपको ये रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो फेलियर है वो आदमी की एक, वो जैसे होती है ना, एक प्रॉपर्टी है जी, और उस प्रॉपर्टी को अपने साथ रखना चाहिए और उसको याद करते हुए सभी काम करना चाहिए, और सीख सीख कर हर चीज़ स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो आप फेलियर का जो है ना, वो उसको आनंद से ले सकते हैं, उसके डर को एंजॉय हाँ, उसको एंजॉय कर सकते हैं। राइट चन्नी जी, अब मैं थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ में आऊँगा। आपका जो प्ले है जीना इसी का नाम, वो सारी दुनिया देख चुकी है सर। उस प्ले से मैंने ये जज किया है कि जो आपकी, अभी सारी दुनिया ने देखा नहीं है अभी मैं ये चाहता हूँ कि वो देखा जाए, और मैक्सिमम लोगों के जो भी अंदर क्वेश्चंस हैं जी, उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँ। राइट। और जो भी मैं क्लैरिटी की बात बार बार करता हूँ, वो लोग भी इस क्लैरिटी के सहारे आगे बढ़े जी। तो सर, उस प्ले से मैंने जो जज किया था कि आपकी जो वाइफ हैं परमिंदर कौर चन्नी जी, वो आपके लिए पूरे सफ़र में बहुत लक्की साबित हुए हैं हाँ। तो आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, ये जो लकी लफज है, ये हमेशा ही वाइफ्स को लकी कहा जाता है जी। मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूँ। वो कैसे? क्योंकि एक आदमी काम कर रहा है, उसकी शादी भी इसीलिए होती है ना कि वो अच्छा काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है जी, तभी लोग अपनी बेटी देते हैं, नहीं तो देते ही नहीं जी, जी, जी। अब वो काम भी कर रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, चलो थोड़े पैसे ज़्यादा भी आ गए, ना भी आए right, तो लोग कहते हैं कि ये इसकी वाइफ बहुत लकी, वो पैसा पहले भी था हाँ जी। मेरा कहना है कि जब कभी वो पैसा शादी के बाद चला भी जाता है कहीं का, तो वो डिस्क्रेडिट वाइफ को नहीं जाता, इंसान को ही जाता है
हस्बैंड को जाता है। हाँ, ये मोस्टली जो 90% कहा जाता है ना कि ये वाइफ बहुत लकी थी, ये ऐसे हुआ, ये एक ख्वाबों की बातें हैं या करने वाली बातें हैं, इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। ओके, राइट। और सर, अगर मैंने बात करूँ आपके बेटे, दोनों बेटे मनबीर और हरप्रीत की, वो अब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका काम संभाल रहे हैं आपके साथ, आप उनको 5 सालों के बाद कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं इसके लिए अभी मुझे भी नहीं पता मेरे 5 साल के बाद मैं हूँ या नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनका लिए जो भी मैंने नहीं बनाया जी, ये एक प्लेटफॉर्म बन गया। okay. किसी वजह से बन गया। अब उन्होंने कितनी मेहनत करनी है जी या नहीं करनी, मैं ये ख्वाबी बातें थोड़ा कम करता हूँ। okay. और ये भी, इसको भी मैं गार्बेज समझता हूँ कि ये मैं भरना नहीं चाहता। right. और ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बात करना चाहता हूँ। okay. क्योंकि वो करेंगे तभी कहीं पहुँचेंगे जी, मैं उनको पहचान नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ये मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ या आप पर छोड़ता हूँ कि आप उनसे बात करके ये उनसे हल ले सकते हैं। ठीक है सर। सर, अब एक छोटा सा रैपिड फायर है, बिना सोचे आपने जवाब देने। पहला है, आपकी फेवरेट हॉबी? सिंगिंग है। सिंगिंग, चलो नाइस। अच्छा सर, कोई भी एक वर्ड आपकी वाइफ के लिए? शी इज वाइफ, जो मेरी है, अच्छी पत्नी है, लेकिन अच्छी पत्नी से बेटर वो अच्छी मदर है। ओके, वेरी नाइस सर। अच्छा सर, कोई भी एक एडवाइस जो आप अपने दोनों बेटों को देना चाहते हैं? वो मैं एक ही, मेरी जो एडवाइस है कि कोई भी काम अगर आपने करना है ज़िंदगी में, उसको एक बार सोच लो, 10 बार सोच लो, 50 बार सोच लो, और 50 लोगों की सलाह भी ले लो जी, लेकिन जब शुरू कर दिया ना, फिर पीछे मत हटो, नहीं तो आप हर बार एक से छोड़कर दूसरे को पकड़ेंगे, दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ेंगे, फिर आपकी नेचर में वो चीज़ आ जाएगी और हर बार आप छोड़ते रहेंगे, किसी भी चीज़ में स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे और कामयाब भी नहीं होंगे। राइट सर। अच्छा सर, अगला जो मेरा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपने येस या नो में आंसर देना है। LPUCT ग्रुप का एक कॉम्पिटिशन है? नहीं, ये मैं कभी भी, जो कंपटीशन है कभी भी किसी से किया नहीं जा सकता, कंपटीशन अपना आपसे होता है, किसी से नहीं कभी होता। ठीक है सर। सर, नेक्स्ट इज, चन्नी को किसी का भी डर नहीं है? नहीं, बहुत डर है, ये गलत बात है, कभी किसी को डर नहीं होता, कई चीज़ों से मुझे डर लगता है, ये गलत चीज़ है, कोई कहता है मुझे डर नहीं लगता, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मेरा सभी भाइयों को जो मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप इसको पेशेंटली सुना, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे इंस्पिरेशनल स्टोरी के मालिक सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी, और मैं अपना एपिसोड उनके ही शब्दों में ख़त्म करना चाहूँगा। असूलों में आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, असूलों पे आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा है फिर ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूँगा एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए। धन्यवाद।